हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लॉन्ग गाउन लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हमने फैब्रिक ली है। जो हमारी मेन फैब्रिक रहेगी वो हमारी 2.5 मीटर रहेगी, ये वाली फैब्रिक। और प्लेन फैब्रिक हमने सिर्फ 0.5 मीटर ली है टॉप पार्ट में लाइनिंग के लिए, ये वाली फैब्रिक। और जो ब्लैक फैब्रिक है इससे हम बॉटम पार्ट को डिजाइन करेंगे, ये हमने 1 मीटर ली है। यदि आप एक ही कलर का गाउन बनाना चाहती हैं तो आपका 2.5 मीटर ही कपड़ा लगेगा टोटल लॉन्ग गाउन में। अब हम आपको कटिंग करना बताते हैं। ब्लैक फैब्रिक को हमने अलग रख दिया है, लाइनिंग वाली फैब्रिक को भी हमने अलग रख दिया है। यहाँ पे हमने इस कपड़े को फुल लेयर में फोल्ड किया है टॉप पार्ट के लिए। और ये हम साड़ी में से 2.5 मीटर कपड़ा लिया है हमने। तो सबसे पहले हम आपको टॉप पार्ट की कटिंग और ड्राफ्टिंग बता रहे हैं। हमें यहाँ पे टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है। टॉप पार्ट हमारा सिल के तैयार 16 इंच का होगा, तो लेंथ यहाँ पे हम 17 इंच ले रहे हैं। 17 इंच पर हमने ऐसे लाइन ड्रॉ की है और यहाँ से हम इस फैब्रिक को कट कर लेंगे टॉप पार्ट के लिए। तो यहाँ पर हमने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को कट कर लिया है। पन साइड की तरफ से हम शोल्डर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। शोल्डर हम यहाँ पर 6.5 इंच ले रहे हैं। तो बन साइड की तरफ से हमें एक मार्क 6.5 इंच पर करना है। और इसके बाद आर्म होल्स की जो लेंथ है वो हम 7 इंच ले रहे हैं। तो 7 इंच तक हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को हमें ऐसे सीधा करना है। और यहाँ पे हमें चौड़ाई का 1/4 लेना है। चौड़ाई है 32 इंच, तो 1/4 हुआ 8 इंच। यहाँ पे हमने 8 इंच पे मार्क किया, 1.5 इंच यहाँ पे हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। अब हम कमर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कमर का 1/4 लेना है। मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ, 1.5 इंच मैं मार्जिन के लिए ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जो मार्जिन वाले पॉइंट हैं यहाँ पे हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम आपको आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। आर्म होल्स की लेंथ है 7 इंच, तो सेंटर हुआ 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हमें गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद हम आपको फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। जो मार्क हमने 3.5 इंच पे किया है, 1/2 इंच हम गले की तरफ मार्क करेंगे, 1/2 इंच हमें इस लाइन से यहाँ पे मार्क करना है। सेंटर वाले मार्क को हमें शोल्डर की तरफ मिलाना है और फिर हमें गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद अब हम आपको गले की ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। बन साइड की तरफ से हम गले की चौड़ाई 3.5 इंच ले रहे हैं और जो गले की लेंथ है वो हम 4 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 4 इंच तक लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे हमें बॉक्स बनाना है और 1 इंच पे हमें गोलाई करनी है। हम बैक और फ्रंट गले बराबर रख रहे हैं, साथ में ही हमने ड्राफ्टिंग की है। अब एक मार्क हम आर्म होल्स की तरफ करेंगे 1/2 इंच और गले की तरफ हम ऐसे इसे तिरछा करेंगे। गले से आर्म होल्स की तरफ 1/2 इंच हम डाउन करते हैं शोल्डर। ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है, अब हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हम दोनों गले साथ में कट करेंगे, फिर शोल्डर की तरफ से कटिंग करेंगे, फिर बैक आर्म होल्स की। इसके बाद हमें इसे साइड से कट करना है। अब हमें एक पीस को अलग करना है जो बैक पीस रहेगा, और फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है और फ्रंट आर्म होल्स की अब हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। हम आपको एक बार इसे रख के दिखाते हैं। ये बैक पीस है टॉप का और दूसरा फ्रंट पीस है। जैसे हमने ये टॉप पीस कट किए हैं सेम ऐसे ही आपको 2 पीस लाइनिंग में से कट करने हैं। तो 2 पीस आप लाइनिंग में से भी कट कर लें। तो इसके बाद अब हम आपको स्कर्ट पार्ट की कटिंग करना बता रहे हैं। ये हमारी 2 मीटर फैब्रिक है और इस फैब्रिक को हमने एक बार फोल्ड कर लिया है चौड़ाई में। एक बार फोल्ड करने के बाद अब हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो दोबारा से हम इसे ऐसे तिरछा फोल्ड करेंगे अम्ब्रेला कट में। तो यहाँ पे हमने इसे तिरछा फोल्ड किया है और हम इसे इस तरह रखेंगे ताकि ड्राफ्टिंग हमारी अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हमने इसे इस तरह रखा है। हमारा जो ये कपड़ा है इस टाइम ये फुल लेयर में फोल्ड है। और सबसे पहले हम आपको कमर की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। ये हमारे कपड़े की खुली साइड है, आप देख लीजिए। और ये साइड बंद है और ये तिरछी साइड होती है, ये बंद साइड है। और इस बंद साइड की तरफ से हम लेंथ रखेंगे, जो हम इस गाउन की लेंथ रखेंगे। सबसे पहले हम कमर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। कमर हमने टॉप पीस में 7 इंच रखी थी, 1/4 भाग कमर थी 28 इंच, तो हमने 1/4 भाग लिया था। तो यहाँ भी हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे। 7 इंच तक हमें ऐसे मार्क करना है। हमने इंची टेप को 7 इंच तक रखा है और दोनों साइड में हमने ऐसे मार्क कर लिया है। इसके बाद अब हम इंची टेप से ये देखेंगे कोने से इसकी लेंथ कितनी आ रही है। 9 इंच आ रही है। अब हमें कोने पर इंची टेप को रखना है और 9 इंच पर हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऐसे आप लाइन ड्रॉ करें
और इसके बाद हमें साइड में 1.5 इंच या 1 इंच मार्जिन के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो इस लाइन से जो हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे वो 1 इंच की दूरी पर करेंगे। जब हम 1 इंच की दूरी पर दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इससे इसकी कपड़े की चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो हमारा दोनों साइड में जो कपड़ा है 1 इंच से भी अधिक हो जाएगा। और अब इसकी जो गोलाई है वो 8 इंच हो गई है। तो इस तरह हमने मार्जिन के लिए भी कपड़ा ऐड कर लिया है। इस लाइन से हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की है और हम खुली साइड की तरफ लेंथ की ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे। खुली साइड की तरफ से हमें लेंथ नहीं रखनी है। खुली साइड की तरफ से जितना भी कपड़ा आपका फोल्ड लेयर में है आप उतनी लेंथ रख सकती हैं। इसके बाद जो बंद साइड की तरफ है यहाँ से हम स्कर्ट की लेंथ रखेंगे। तो हम यहाँ पे लेंथ रख रहे हैं इसकी 37 इंच। तो 37 इंच पे हमें मार्क करना है। जो हमारे ये पीस हैं ये सिल के तैयार 36 इंच के होंगे, तो यहाँ पे हम 37 इंच पे मार्क कर रहे हैं। और 4 इंच की हम ब्लैक कपड़े से अलग से पट्टी इसमें सिलेंगे। तो इसकी जो लेंथ है स्कर्ट की वो हमारी 40 इंच की हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लेंथ इसकी 37 इंच ली है। और इसके बाद हमें इंची टेप को दूसरे कोने तक ऐसे रखना है और ऐसे एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरी तरफ हमें लेंथ को नहीं देखना है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। कोने पर हम थोड़ी सी गोलाई करेंगे बन साइड की तरफ और अब हमें कटिंग करनी है। तो यदि आप इसमें अलग से फैब्रिक नहीं सिलना चाहती हैं तो आप फुल लेंथ इसकी रख सकती हैं। तो यहाँ पे हमने इसे ऐसे कट कर लिया है। कोने पर हमने थोड़ी सी गोलाई की है और दूसरी तरफ हम इसे यहाँ से कट कर रहे हैं। सेकेंड लाइन से हमें इसे कट करना है और फिर हम खुली साइड की तरफ इसे एक पीस को कट करेंगे, क्योंकि एक साइड इसकी बंद होती है कपड़े की। तो हमने इसे कट कर लिया है और हमारे ये 2 पीस कट हो गए हैं स्कर्ट के। एक बार हम आपको इसे रख के दिखा रहे हैं, इस तरह इसकी लुक आएगी। और अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले हमें टॉप का गला बनाना है। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग फैब्रिक में ही गला बना लिया है और आर्म होल्स पर भी सिलाई लगा ली है। जैसे हम ब्लाउज में अस्तर जोड़ते हैं सेम ऐसे ही यहाँ पे हमने आर्म होल्स और गले को बना लिया है। गला और आर्म होल्स हमने आपको बनाना इसलिए नहीं बताया है, पहली वीडियो में हम आपको ये सब बता चुके हैं। अब टॉप पीस को हमें सीधा रखना है और स्कर्ट पीस को हम बैक साइड की तरफ से रखेंगे इस तरह से। और इसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। तो जब भी आप ये सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और इस तरह आप पूरे पीस में ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम आपको इसे सीधा रख के दिखा रहे हैं। तो इस तरह हमने टॉप पीस में स्कर्ट पीस को जोड़ लिया है। अब हम आपको बॉटम पार्ट तैयार करना बताएंगे। ये हमारा बॉटम पार्ट है गाउन का। सेंटर से ये थोड़ी सी गोलाई में है और इसके बाद ये वी शेप में है। तो यहाँ पे हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। जो हमारी प्लेन फैब्रिक थी ब्लैक कलर की, उसमें से हमने कुछ पट्टियाँ कट की हैं। लेंथ हमने इस पीस की रखी है 9 इंच। फोल्ड होकर ये 4.5 इंच की होगी और सिल के तैयार ये जो हमारी पट्टी रहेगी ये 4 इंच की रहेगी। गाउन वाले पीस को हमें सीधा रखना है और इस ब्लैक पीस को हम सीधी तरफ से ही रखेंगे और हमें ऐसे सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स, जब भी आप ये सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और सेंटर से इसमें थोड़ी सी गोलाई है तो यहाँ पे हम गोलाई में सिलाई लगाएंगे और फिर हम वी शेप में सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे आप पूरे पीस में ही सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने इस पूरे पीस में ही सिलाई लगा ली है। अब हम इस फैब्रिक को ऐसे सीधा रखेंगे और सिलाई वाले कपड़े को ऊपर की तरफ करते हुए एक सिलाई आप दूसरी फैब्रिक के ऊपर भी लगा लें। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पीस को तैयार कर लिया है। आप देख सकती हैं बहुत ही प्यारी लुक आई है। ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पीस को ऐसे सीधा रखा हुआ है और ऐसे ही हमने सेम बैक पीस को भी तैयार कर लिया है। बैक पीस में भी हमने बॉटम पार्ट पर ब्लैक पट्टी लगाई थी और इसे भी हमने सिल लिया है। और इस पीस को हम सीधा रखेंगे। जो हमारा ये फ्रंट पीस है इसे हमें सीधा रखना है और बैक पीस को हमें बैक साइड की तरफ से रखना है। और सबसे पहले आप शोल्डर पर सिलाई लगाएं। शोल्डर पर सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड में आपको
सिलाई लगानी है। पहले आप शोल्डर पर सिलाई लगाएं और इसके बाद दोनों साइड में बॉटम पार्ट तक आपको ये सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने शोल्डर पे और दोनों साइड में बॉटम पार्ट तक सिलाई लगा ली है। गाउन हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार हम आपको इसे रख के भी दिखा रहे हैं, तो इसकी लुक है वो इस तरह आई है। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको गाउन बनाने का जो हमारा ये तरीका है ये आपको कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।